राहुल नार्वेकर ने अपने पुराने बॉस उद्धव ठाकरे से पार्टी छीन ली और एकनाथ शिंदे को सौंप दिया। साथ ही साथ उद्धव के पॉलिटिकल सत्ता पर भी सवाल खड़े कर दिए। अपने फैसले में शिवसेना का संविधान पढ़कर शिव सैनिकों का भ्रम भी तोड़ दिया कि मातोश्री में बैठे उद्धव ठाकरे पावरफुल है। शिव सैनिक शुरू से ही बाला साहब ठाकरे को पार्टी का चीफ मानते रहे। उनके एक मौखिक आदेश पर शिव सैनिक मुंबई की सड़कों पर उतर पड़ते थे। साल 2003 में बाला साहब ने भतीजे राज ठाकरे के दावे को दरकिनार कर उद्धव ठाकरे को शिव प्रमुख के पद पर ताजपोशी की गई थी। राहुल नार्वेकर ने कानूनी दावपेच में यह निष्कर्ष निकाला कि शिवसेना प्रमुख पार्टी के सुप्रीमो होने का पावरफुल नहीं है। वह 1999 का पार्टी संविधान निकालना है और तय कर दिया कि शिवसेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ठाकरे फैमिली से ज्यादा पावरफुल है। उद्धव ठाकरे को बाला साहब के बेटे हो सकते हैं मगर सर्वसर्वा नहीं है। उन्हें किसी नेता को पार्टी से निकालने का अधिकार ही नहीं है। आपको बता दें कि राहुल नार्वेकर एक समय शिवसेना में थे। साल 2014 तक उद्धव ठाकरे ही उनके बॉस रहे। वो आदित्य ठाकरे के करीबी माने जाते हैं। साल 2014 में शिवसेना उन्हें लोकसभा का टिकट नहीं दिया था। इसके बाद वो एनसीपी में शामिल हो गए थे। बाद में वो भाजपा में शामिल हो गए। साल 2019 में वो मुंबई के कोलाबा से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े और विधायक चुने गए। शिवसेना में एकनाथ शिंदे के बगावत के बाद जब महायुति की सरकार बनी तो उन्हें विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया। अयोग्यता पर उन्होंने अपने फैसले से उद्धव ठाकरे को शिवसेना के सर्वसर्वा पद से बेदखल कर दिया। बता दें कि उद्धव ठाकरे 1995 में पॉलिटिक्स में एक्टिव हुए। उनसे पहले युवा सेना की कमान संभालने वाले उनके चचेरे भाई राज ठाकरे ने पार्टी में मजबूत पकड़ बना ली थी। उद्धव के सक्रिय होते ही बाला साहब ठाकरे ने पार्टी के फैसलों में शामिल होना शुरू कर दिया था। 1997 में बीएमसी चुनाव में उद्धव ने कैंडिडेट के नाम पर मुहर लगाई। उस चुनाव में शिवसेना जीत गई मगर उद्धव और राज ठाकरे के बीच मनमुटाव की खबरें भी आई। साल 2003 के महाबलेश्वर अधिवेशन में बाला साहब ने उद्धव को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। उन्होंने उद्धव ठाकरे को शिवसेना का अध्यक्ष बना दिया। नाराज राज ठाकरे ने 2006 में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बनाकर शिवसेना से किनारा कर लिया। विरासत में पार्टी प्रमुख का पद मिलने के बाद उन्होंने बाला साहब की जगह ली। शिवसेना में बाला साहब के जमाने में कई नेता बागी हुए मगर उनकी कार्यकर्ताओं पर पकड़ के कारण पार्टी बनी रही। 1985 में छगन भुजबल और 2005 में नारायण राणे भी बागी हुए थे। इन दोनों नेताओं के साथ कई विधायकों ने भी पार्टी का दामन छोड़ा मगर बाल ठाकरे की हैसियत बनी रही। बाल ठाकरे हमेशा सत्ता का रिमोट कंट्रोल थामे रहे। एकनाथ शिंदे की बगावत ने ठाकरे फैमिली से पार्टी ही छीन ली और उद्धव देखते रह गए। शिंदे ने उनकी पार्टी पर रिमोट कंट्रोल वाला सिस्टम ही ध्वस्त कर दिया। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने 10 जनवरी को अपने फैसले में उद्धव को खाली हैसियत, जो हैसियत बची हुई थी वो पूरी हैसियत ही छीन ली। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो पावरफुल उद्धव ठाकरे कहे जाते थे वो अब पावरफुल राहुल नार्वेकर ने पूरी तरीके से छीन ली। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।